ऑल ऑन कैसे थे आपके एडिटिंग? आई नो आपके एडिटिंग का भी मस्त दूसरों से काफी शानदार चली होगी। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुप्ता एडिट। तो आज मैं आपको ये वीडियो बताने वाला हूँ कि आप अपनी फोटो को किस टाइप से फ्यूचरिस्टिक में बदल सकते हो। तो मैं आज आपको इस टाइप की फोटो एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं इस फोटो में सबसे पहले तो अपनी फोटो क्लिक करवाया, उसके बाद में फेस को स्मूथ किया, उसके बाद में फेस को स्मूथ करने के बाद में अपने फेस में टेक्सचर लाया। जो स्मूथ करने के बाद जो टेक्सचर जो खत्म हो जाते उस टेक्सचर को अपने फेस पर लाया। जो स्मूथ करने वाला प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर आराम से वीडियो को देख सकते हो पूरी अच्छी तरीके से। और अपने फेस को स्मूथ करके कुछ आप भी कैसे भी फोटो एडिट कर सकते हो। तो इसमें जैसे जैसे मैं पूरा एडिटिंग किया हूँ अपनी फोटो को, पूरी तरह से आपको मैं बताने वाला हूँ कि मैं अपनी फोटो को किस टाइप से एडिटिंग किया और कैसे कैसे करके कौन कौन से पेज यूज किया हूँ। और इसमें जितने बैकग्राउंड और पेज यूज होंगे मैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके आराम से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके अपने फोटो पर यूज कर सकते हो। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए एक छोटे से इंटरव्यू बाद अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन अपने फोटो को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन कर आप देख सकते हो कि मेरे फेस में जो टेक्सचर जो है वो एक एक टेक्सचर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ऊपर से हमारा फेस जो है वो स्मूथ भी है। तो मैंने इसके लिए मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आराम से वीडियो को देख कर अपने फेस को स्मूथ भी कर सकते हो और अपने फेस पर टेक्सचर भी ला सकते हो। तो आप चलते वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे अपने फोटो को ऐड करने के बाद यहाँ पे टूल्स में जाएंगे और टूल्स में जाने के बाद एड्रेस में जाएंगे और एड्रेस में जाने के बाद सैचुरेशन जाके इसकी पूरी सैचुरेशन को यहाँ पे कम कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर से हम ऐड फोटो में जाएंगे और ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ पे हमें काफ़ी सारे पीएनजी लगाने हैं। तो यहाँ पे हम कुछ फास्ट मोड भी कर दूंगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे हम इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसकी जो है इसे हम कर लेंगे यहाँ पे इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे इस वाले पीएनजी को और इसकी जो ब्लेंडिंग मोड कम कर लेंगे लाइटन कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे इसे हम कर लेंगे यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद हमें इस टाइप से हम कर रख देना है यहाँ पे इस वाले पेंटिंग को इस ऐसे रख देना हमें। रखने के बाद करना है क्या गाइस, यहाँ से हम पूरी तरह से हम यहाँ पे इसे डन कर देंगे। और डन करने के बाद गाइस फिर से हम जाएंगे ऐड फोटो में और ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से हम कर लेंगे अपने वाले पेंटिंग को यहाँ पे ऐड। तो यहाँ पे गाइस मैंने पूरी यहाँ पे पेंजी को बना रखा है, यहाँ पे मतलब डाउनलोड करके कुछ स्टेप से बना रखा है। तो आपको भी इसका लिंक मिल जाएगा, आप आराम से जाके इसे डाउनलोड करके अपने फ़ोटो में यूज कर सकते हो। तो हमें आइस पेंजी लगाना है तो यहाँ पे लगा देना इस वाले को और यहाँ पे जो इसकी जो ओवर पार्ट जो दिख रहे हैं मतलब ये वाले को इसे हम इरेज कर देना है। उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे और डन करने के बाद अब यहाँ पर अपने आइस में लगा देना है कुछ स्टेप से आई में लगा देना है। उसके बाद में इसकी ब्लेंडिंग मोड कम करके देखते हैं कि स्क्रीन सही रहेगा या फिर लाइटिंग। तो लाइटिंग सही लग रहा है हमारे आइस में, यहाँ पे कुछ स्टेप से रख देंगे। और इसके बाद में जो है इसके जो ऊपर के हिस्से को उसे हम इरेज कर लेंगे, इरेज में जाएंगे और इसके हार्डनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और ऑप्शन को थोड़ा सा कम कर देंगे और साइज को अपने फ़ोटो के हिसाब से रख के इरेज कर देंगे कुछ स्टेप से। इरेज करने के बाद गाइस करना क्या हमें, यहाँ पे इसे डन कर देंगे और इसकी एक यहाँ पे डुप्लीकेट ले लेंगे और लेने के बाद हमें इस वाले आईज में लगा देना है इस टाइप से यहाँ पे लगा देंगे गाइस। और उसके बाद में यहाँ से हम फिर से ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद फिर से हम यहाँ पर जाएंगे अपने पीएनजी को ऐड करेंगे और यहाँ पे ऐड करने के बाद हम यहाँ पे एक रिंग सर्कल टाइप से ले रखा है जिसमें कि अपने आइज जो है हमारा और भी अट्रैक्टिव लगे और भी फ्यूचरिस्टिक वाले फील आए हमारे फ़ोटो में। तो कुछ इस टाइप से पेंजी को यहाँ पे ऐड कर लूँगा और ऐड करने के बाद इसके भी ब्लेंडिंग मोड को हम कर लेंगे यहाँ पे लाइटन और इसके बाद में इसकी साइज बढ़ा देंगे कुछ इस टाइप से इसके नहीं इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। करने के बाद करना क्या, इससे हम कर लेंगे यहाँ से डुप्लीकेट और इसे भी अपने इस वाले आइस में लगा देना है हमारा इस टाइप से। और लगाने के बाद गाइस करना क्या, इसके जो ओवर पार्ट देखेंगे इस वाले आइस में उसे कर लेना हमें इरेज थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से इस टाइप से हम कर लेंगे इरेज। उसके बाद में हम यहाँ से इसे डन कर देंगे और यहाँ पे पूरी तरह से अपने फ़ोटो को यहाँ पे डन कर देंगे। तो डन करने के बाद गाइस अब हमारे फेस में थोड़े से स्क्रेच का एक पेंजी लगा लेंगे, मतलब स्क्रेच जैसे है उस वाले पेंजी को यहाँ पे ऐड करके अपने फेस पे लगा देंगे। तो उस वाले पेंजी को यहाँ पे अभी ऐड करते हैं, तो ये रहा ऐड कर लेंगे। उसके बाद में गाइस इसके क्रॉप कर लेंगे और क्रॉप करने के बाद यहाँ पे जितने सा पेंजी उतने हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड करके इसकी ब्लेंडिंग मोड को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई
और उसके बाद में आपने आइस और नॉच के हिसाब से इस वाले को यहाँ पे ऐड कर लेंगे कुछ इस टाइप से। और इसकी भी ऑप्शिटी को यहाँ पे हम थोड़ा डाउन करके देखेंगे कितना सही रहेगा। तो हमारे जो इसकी ऑप्शिटी है जो इसको हम 65 के आसपास यहाँ पे रखेंगे अपने ऑप्शिटी को। 65 कुछ ज़्यादा लग रहा है इसको, थोड़ा हम 60 ही रख देंगे यहाँ पे, इस टाइप से रख देंगे। और उसके बाद में इसे हम थोड़ा डुप्लीकेट कर लेंगे, और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे इसे इस वाले आईयू के सामने यहाँ पे रख देंगे हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद में हम इसे कर लेंगे छोटा सा, और उसके बाद में इसे कर लेंगे डन। और उसके बाद में थोड़ा सा फास्ट मोड में आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे ऐड करके। देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सारा पेन जी अपने फेस पर यहाँ पे यूज कर दिया है, और सभी का मैंने ऑपेसिटी यहाँ पे 60 के आसपास रखा है। तो आपको कुछ स्टेप से करना होगा, और उसके बाद में करना क्या गाइस, इसमें फिर से हम ऐड फोटो में जाएंगे, और यहाँ पे एक बार फिर से हम पेन जो यहाँ पे एक ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपने पेन जो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, हमें कुछ स्टेप से इस वाले पेन जो यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसकी साइज को हम कुछ स्टेप से बढ़ा देंगे, और इसकी भी ब्लेंडिंग मोड इसकी भी हम कर लेंगे यहाँ पे लाइटन। और लाइटन करने के बाद गाइस इसकी ऑपेसिटी को हम इतना कम कर लेंगे जिससे कि हमारे फेस में बस दिखाई दे। तो हम कुछ स्टेप से यहाँ पे कर लेंगे ऐड इसके जो ऑपेसिटी को, तो हम कुछ स्टेप से कर लेंगे। और करने के बाद करने के यहाँ से हम इसे कर लेंगे डन, यहाँ से पूरी तरह से हम यहाँ पे डन कर देंगे। फिर से हम ऐड फोटो में जाएंगे, और ऐड फोटो में जाने के बाद इसी पेन जो यहाँ पे एक बार फिर से हम दोबारा ऐसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद यहाँ से हम ऐड कर लेंगे, और इसके बाद में इसे हम क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद हम एक लाइन को यहाँ पे एक सिलेक्ट कर देंगे कुछ इस टाइप से। तो हम इस वाली लाइन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप कोई सा भी लाइन को अपने सिलेक्ट करके अपने फोटो के हिसाब से यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इस वाले लाइन को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ से हम डन कर देंगे। और डन करने के बाद इसे हम कर लेंगे रोलेट कर देंगे, और यहाँ पे रोलेट कर देते हैं। और उसके बाद में इसकी ब्लेंडिंग मोड को हम कर लेंगे यहाँ पे लाइटन। लाइटन करने के बाद इसके जो क्या हो गया भाई, इसकी स्क्रीन कर लेते हैं लाइटन में, तो ये गायब हो जा रहा पूरी तरह से। इसकी साइड को कुछ स्टेप से बढ़ाकर हम यहाँ पे कर देंगे कुछ स्टेप से ऐड। ऐड करने के बाद गाइस इसे हम थोड़ा सा इसके और भी साइड बढ़ा देते हैं कुछ स्टेप से, और अपने यहाँ से हम यहाँ पे कर लेंगे इसे ऐड। और ऐड करने के बाद करना है क्या गाइस, इसे थोड़ा सा हम रोलेट कर देंगे कुछ स्टेप से। और रोलेट करने के बाद भी इसे हम कर लेंगे इरेज अपने आइस के पास में जो आ रहा है, आइस के पास में जो हिस्सा जो आ रहा है उसे हम कर लेंगे यहाँ पे इरेज कुछ स्टेप से। इरेज करने के बाद यहाँ से हम इसे कर देंगे डन। और डन करने के बाद गाइस हमारे जो पेन जी जो है वो काफ़ी सारे हो गए, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी और भी यहाँ पे ऐड करना होगा। अब इसे हम लेकर चलते हैं ड्रॉ टूल में ले चलेंगे। और ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस इसके ब्रश को पहले हम ब्लर वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपको यहाँ पे इस टाइप से ब्रश मिले, तो आपको इस वाले ब्रश को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे आप सेट करके यहाँ पे कलर बॉक्स में जाएंगे। तो कलर बॉक्स में जाने के बाद आप यहाँ से अपने कोई सा भी कलर को यहाँ पे पिकअप कर सकते हो, कोई सा भी यहाँ पे कलर को। तो मैं अपने इस टाइप से कलर को यहाँ पे पिकअप कर लेता हूँ पहले। तो पिकअप करने के बाद इसे हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, जल्दी जल्दी आपको ड्रॉ करके मैं दिखा दे रहा हूँ। तो इस टाइप से हम ड्रॉ कर लेंगे। और ड्रॉ करने के बाद गाइस लेयर में जाकर अपनी जो इसके नोर इसकी भी मोड को हम यहाँ पे ओवरले मोड में कर लेंगे। ओवरले करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे इसके ऑब्स्टिक को यहाँ पे हम कम कर लेंगे, और कम करने के बाद अपने ऑब्स्टिक को यहाँ पे 60% कर लेंगे कुछ स्टेप से। आने के बाद यहाँ से हम एम्प्टी ले लेंगे, और एम्प्टी ले लेने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा रिम लाइट क्रिएट कर लेंगे। तो वैसे रिम लाइट की जो रिम लाइट वाले जो वीडियो आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर आराम से देख सकते हो। और मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी रिम लाइट क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। मैं गाइस यहाँ पे जितने पीएनजी वगैरह जो थे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का जितना भी काम था हमारे सारा यहाँ पे ओके हो गया है। तो इसे हम यहाँ पे 3 डॉट मिला के इसे हम सेव कर लेंगे, और कलर एडजस्टमेंट करने के लिए इसे लेकर चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो गाइस लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन होते ही यहाँ पे जाएंगे फोटो में, और यहाँ पे अपने उसी वाले फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हमें इस वाले फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे ऑल फोटो में जाने के बाद हमें यहाँ पे अपना फोटो यहाँ पे मिल जाता है। तो वो वाला फोटो यहाँ पर ऐड हो गया। ऐड होने ही हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो इसके लाइट्स को एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे जाएंगे और इसके लाइट को थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, इसके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। यहाँ पर कुछ स्टेप से हम बढ़ा लेंगे कॉन्ट्रास्ट को, और इसके हाईलाइट को थोड़ा कम कर देंगे। उसके बाद में शेडो को थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर कम करके। तो शेडो को कम करने के बाद हमारा फोटो का जो गजब आ गया। वाइट को थोड़ा सा यहाँ पर कम कर देंगे,
ब्लैक को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देंगे कुछ इस टाइप से। उसके बाद हम इसके नीचे वाले टूल्स में जाएंगे और इसकी जो वाइब्रेंस जो है वाइब्रेंस को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देंगे। और उसके बाद में मिक्स टूल में जाएंगे। मिक्स टूल में जाने के बाद करना है क्या गाइस, हमारा जो नीला कलर जो उसकी हम ह्यू को थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग कर देंगे और उसके बाद सैचुरेशन को बढ़ा देंगे यहाँ पे और लुमिनस को यहाँ पे कम कर देंगे कुछ इस टाइप से। कम करने के बाद हमारा और कोई कलर यहाँ पे है ना जिसे हम छेड़ सकते हैं, तो इसके बाद हम इसे डन कर देंगे। उसके बाद इसके नीचे वाले टूल्स में जाएंगे जहाँ पर टेक्स्चर और क्लैरिटी को बढ़ा देंगे और विग्नेट को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देंगे कुछ इस टाइप से। कम करने के बाद मिड पॉइंट को थोड़ा कम कर देंगे और फेदर को कुछ इस टाइप से बढ़ा देंगे। उसके बाद में इसके नीचे वाले टूल्स में जाएंगे जहाँ पर शार्पिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसके बाद नॉइस रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये करने के बाद गाइस करना क्या गाइस, अब यहाँ पे सिलेक्टिव मोड में जाएंगे और सिलेक्टिव मोड में जाके ये स्क्वायर वाला को सिलेक्ट कर लेंगे और कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे कर लेंगे सिलेक्ट। इस टाइप से सिलेक्ट करने के बाद इससे हम कर लेंगे एक्सपोजर कम। करने के बाद फिर से हम यहाँ से हम जाएंगे और फिर से यहाँ पे स्क्वायर वाले को सिलेक्ट करके कुछ इस टाइप से हम सिलेक्ट कर लेंगे और भी इसकी भी कर लेंगे एक्सपोजर कम। यहाँ पर थोड़ा सा इसे हम थोड़ा पीछे कर लेंगे और यहाँ से हम बढ़ा देंगे कुछ इस टाइप से। एक्सपोजर कम करने के बाद करना क्या गाइस, इसे हम कर लेंगे डन। डन करने के बाद फिर से हम जाएंगे सिलेक्ट टूल्स में और फिर से स्क्वायर वाले को सिलेक्ट करके हमें नीचे से यहाँ पे इस टाइप से सिलेक्ट कर देंगे और इसकी भी और एक्सपोजर को यहाँ पे कर देंगे कम और यहाँ से हम इसे कर देंगे डन। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने अपनी फोटो को पूरा अच्छी तरीके से एडिट करके दिखा दिया कि फ्यूचर स्टिक वाली फोटो को किस टाइप से एडिट करते हैं। इसमें जितने प्रोसेस थे मैं सभी को आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल के साथ साथ सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और इसमें एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ आपको कि इसमें जितने बैकग्राउंड पेज यूज किया मैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर आराम से डाउनलोड करके अपनी फोटो में यूज कर सकते हो आराम से। आज के लिए बस इतना, अवर मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।